मैं देश को बोलना चाहता हूँ कि अभी संसद का हल्ला हुआ था, संसद पर अभी अभी बाहर आया है कि संसद पर हल्ला करने वाले भारत के पुलिस थे, पुलिस ने मदद की है, तो ये क्या आरएसएस के लोग है? मैं तो कहता हूँ कि मोदी शाह जिंदगी में कभी भी सच बोले ऐसा कोई बताएंगे तो मैं हार जाऊंगा। मोदी शाह दो गुंडे झूठ के पुलिंदे, मोदी शाह दो गुंडे झूठ के पुलिंदे। मोदी शाह कौन है? आरएसएस के दलाल है। आरएसएस कौन है? देश का दुश्मन है। जनशक्ति के सामने मोदी शाह मच्छर है, मच्छर। वो क्या कानून लगाएंगे? जब हम घर में उनको आने नहीं देंगे, जब हम उनको पेपर नहीं देंगे, तो कानून क्या करेंगे? वो अंदर से इतने डरपोक है, वो साले तड़ीफार है, खूनी है, उनको मालूम है हमारे जहन, उनके जहन में क्या है उनको मालूम है, उनका चेहरा देखो तुम। मैं तो कहता हूँ कि मोदी शाह जिंदगी में कभी भी सच बोले ऐसा कोई बताएंगे तो मैं हार जाऊंगा। एक भी अधिकारी हमारे पेपर मांगने के लिए आया तो 10,000 लोग उस घर के सामने खड़े हो जाएंगे, खदेड़ खदेड़ के ऑफिसर को भी निकालेंगे और कभी एक पेपर भी नहीं देंगे। क्या महसूस कर रहे हैं? इतनी बड़ी आवाम है और खास करके इतनी बड़ी संख्या में जो है महिलाएं हैं, एक महीने से लगातार यहां पर डटी हुई है। ऐसा है कि मैं 30 साल से आंदोलन कर रहा हूं, 30 साल से, और मैंने सब बहनों माताओं को साथ लेके आंदोलन छेड़े हैं और मैंने 100% आंदोलन यशस्वी किए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में महिला पुलिस ही नहीं थी तो हम सबको लेके रास्ते पर बैठे तो कोई महिला को हाथ लगाना नहीं, मैं उनको लगाया, मैं उनको सिखाया था कि पुलिस पुरुष पुलिस हाथ लगाएंगे जोड़ा मारने का, तो महिला पुलिस नहीं थी, तो हमने इतने आंदोलन छेड़े महिलाओं के साथ, इसलिए मुझे बहुत गर्व था इन महिलाओं के मिलने की, मुझे इच्छा थी इनको जाके वंदन करूं, भाषण करने का तो कोई सवाल नहीं था, लेकिन इनको बोलूं कि आपकी ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत, महिलाओं की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, और जो ये देश को संदेश जाएगा तो हमारी सब महिलाएं देश की इनका आदर्श लेके रास्ते पर आएगी, इसका ये फायदा है। महिलाएं जो है सड़कों पर है, देश जो है वो तकरीबन सड़कों पर है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से जो है इस कानून को लागू कर दिया है। अरे यार, सरकार जनशक्ति के सामने मोदी शाह मच्छर है, मच्छर। वो क्या कानून लगाएंगे? जब हम घर में उनको आने नहीं देंगे, जब हम उनको पेपर नहीं देंगे, तो कानून क्या करेंगे? तो वो कानून का हमें डर नहीं है, लेकिन हमें जनशक्ति हमारे साथ देनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक के घर भी आदमी आया, मैं सबको देश के बोल रहा हूँ, देश के लिए, एक भी अधिकारी हमारे पेपर मांगने के लिए आया तो 10,000 लोग उस घर के सामने खड़े हो जाएंगे, खदेड़ खदेड़ के ऑफिसर को भी निकालेंगे और कभी एक पेपर भी नहीं देंगे। पाटिल साहब, आप तो जो है व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं, मुंबई हाईकोर्ट के पूर्व जज रहे हैं आप, आपको क्यों लगता है कि इस कानून का विरोध जरूरी है? अरे, ये जो कानून है, पहली तो बात ऐसी है कि ये इसकी अमल बजावनी होने वाली नहीं है, इसके ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्च होने वाले, इसके लिए लाखों ऑफिसर लगने वाले हैं, ये सब होने वाला नहीं है। ये सब क्या चाहते हैं कि हम सबको वोटिंग लिस्ट से बाहर निकाले और 2024 का इलेक्शन जीते, तो इसीलिए ये कानून तो गैर कानूनी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये सामान्य लोगों के खिलाफ है, ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है, और ये कानून अमल बजावनी होने वाले कानून नहीं है। जो कानून जिसकी अमल बजावनी नहीं कर सकते, जिसके ऊपर अमल नहीं कर सकते, वो कानून का फायदा क्या होता है? लेकिन सरकार के रवैये को देखते हुए लगता नहीं है कि सरकार जो है अपने कदम पीछे खींचेगी? अरे, ये आप लोगों को दिखता है, वो अंदर से इतने डरपोक है, वो साले तड़ीफार है, खूनी है, उनको मालूम है कि हमारे जहन, उनके जहन में क्या है उनको मालूम है, उनका चेहरा देखो तुम, वो कितना भी पाखंड करे, दिखाए, दो हमेशा दो मुंह होते हैं, दो दुबले होते हैं, वो उनसे रामलीला मैदान पे बोलता है कि कहाँ एनआरसी, और लोकसभा में अमित शाह बोलता है एनआरसी मैं सब देश में लगाऊंगा, तो क्या बोलते हैं लोग, ये किसको बनाते हैं? ये झूठ बोलने की हद होती है। मैं तो कहता हूँ कि मोदी शाह जिंदगी में कभी भी सच बोले ऐसा कोई बताएंगे तो मैं हार जाऊंगा, हमेशा झूठ बोलते।
आपने मुंबई के आजाद मैदान में कहा कि मोदी शाह दो गुंडे, अरे मैं क्यों कहते हैं आप अभी ये महिला डरेंगे इसीलिए नहीं, मेरी स्लोगन है वो मोदी शाह दो गुंडे झूठ के पुलिंदे। दूसरा दूसरे मेरी स्लोगन है मोदी शाह कौन है, आरएसएस के दलाल है, आरएसएस कौन है, देश का दुश्मन है। ये तो मैं तो कई दिन कई सालों से मैं 1976 से इस देश के ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ और तो भी जिंदा हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी 80 साल के उम्र में मुझे ये नया मेडिसिन मिला है कि दलित मुस्लिम आदिवासी सब साथ लाके हम इस देश की व्यवस्था बदलने वाले हैं। इस व्यवस्था में मुस्लिम दलित आदिवासियों का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, ये आज की मेरी भाषा है। देखो आप, मैं जिंदा नहीं रहा तो आप लोगों ने याद रखना कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनाना है इन लोगों। आप जिंदा रहे ये हम भी दुआ करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, आपने 1975 का दौर भी देखा है जब जो है इंदिरा के खिलाफ जो है देश की नौजवान खड़े हो गए थे। आज हम देख रहे हैं कि JNU हो चाहे जामिया हो चाहे MU हो, छात्रों का एक गुट जो है, छात्र जो है वो सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अरे बाबा, जब भी ऐसा लगता है आपको कि बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, वो सिर्फ संघ का होता है। वो 1976 का आंदोलन भी संघ का था, जयप्रकाश नारायण को समझ में भी नहीं आया, जैसे हजारे भ्रष्टाचार मुक्त बोलता था ना अन्ना हजारे, वाह उसको मालूम नहीं कि उसको कौन नचा रहा था। भ्रष्टाचार मुक्त भारत कभी हो नहीं सकता। जिस भारत में बच्चा जन्मता है और जाता देव के पास एक छोटा नारियल लेके एक टुकड़ा वहां रखता है, बोलता है हमको सुखी रखो, ये लाच देने का प्रकार है, ये भ्रष्टाचारी है। तो हम भ्रष्टाचार मुक्त हो नहीं सकते। वैसे जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था उसको संघ ने आगे किया था, शायद जयप्रकाश को मालूम नहीं था, उनको लगा मैं बड़ा नेता हूँ, जैसे हजारों को लगता था मैं बड़ा नेता हूँ। तो ये जब भी आंदोलन होता है, जब भी बॉम्बस्फोट होता है, जब भी दंगा होता है, मैं देश को बोलना चाहता हूँ कि अभी संसद का हल्ला हुआ था, संसद पर अभी अभी बाहर आया है कि संसद पर हल्ला करने वाले भारत के पुलिस थे, पुलिस ने मदद की है। तो ये क्या आरएसएस के लोग है, ऐसा है कि आरएसएस यहाँ देश में सर्वव्यापी है। एक भाई आरएसएस का प्रमुख होता है, दूसरा भाई IB का प्रमुख होता है, दामाद पुलिस का प्रमुख होता है, ससुर आरएसएस का प्रमुख होता है। तो ये बॉम्ब शूट करेंगे छूट जाएंगे, ये दंगे करेंगे छूट जाएंगे, ये ऐसा इनका रवैया है। इसलिए बाबरी मस्जिद गिराई छूट गए, मोदी ने मुस्लिमों को कत्ल किया छूट गए। तो ये जो हो रहा है ये माहौल बदलना है और ये माहौल सिर्फ हम लोग बदल सकते हैं। आप जो है पूर्व जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि CAA को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको लेकर के वो चिंतित हैं और देश एक कठिन समय से गुजर रहा है। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या मायने है इस बयान के? मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को विनती किया है कि जब आपके ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई बाबरी मस्जिद गिराने के समय, संविधान की धज्जियां उड़ाई, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई, तो आपने उनको उनके बाजू में डिसीजन दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करके मंदिर बांधने के लिए परवानगी दी जहां मंदिर नहीं था, ये खुद लिखते हैं, जहां मस्जिद थी मंदिर गिराना, मस्जिद गिराना गलत था, वहां राम मूर्ति रखना, राम की मूर्ति रखना गलत है, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है और जमीन उनको देता है। तो आज मैं कहता हूं कि ठीक है वो जो हो गया हो गया, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजेस को विनती करता हूं कि आज का देव जो बुरा माहौल है देश का, वो बदलने की हिम्मत, बदलने की ताकत सिर्फ जुडिशियरी में है और जुडिशियरी अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन इस्तेमाल करके जो बाबरी मस्जिद में किया वो आप युवाओं को, विद्यार्थियों को बचाने का काम करो, ये मैं आपको आपके माध्यम से उनको विनती करता। बार बार आरोप लगते हैं कि जो न्याय व्यवस्था जो है वो जो है दबाव में है सरकार के, वो तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो माहौल बन गया है वो क्या करते हैं कि चार जजेस ने जब आंदोलन किया तो ये देश की पहली इतिहास में पहली बात थी। तब मैंने कहा था कि वो उस जमाने का जब जस्टिस, यदि उनको थोड़ी भी शर्म है तो वो रेजिग्नेशन दे, ऐसा मैंने कहा था। क्यों कहा था कि जजेस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के बलबूते पर नहीं चल रहा है, कोई दूसरा चला रहा है, ये तो बहुत बुरी बात थी। तो ये इसके लिए हमने, लेकिन जो जज आंदोलन में शामिल था वो चीफ जस्टिस बनने के बाद उसको मीटू लगाया,
तो जजेस को भी बदनाम करके उनके पास से चाहे जैसे डिसीजन लेने वाले ये दो गुंडे हैं, तो क्या करें? आपको क्या लग रहा है, अब जो है जिस तरह से पूरा आवाम जो है इसके खिलाफ जो है हो रही है, कांग्रेस के शासित जो राज्य है वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करेंगे, इसको नहीं लागू होने देंगे, क्या लग रहा है सरकार अपना कदम जो है पीछे खींचेगी, कानून वापस होगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनशक्ति को दुनिया ने किसी को दुनिया में किसी ने किसी जनशक्ति को कोई हरा नहीं सकता। आज देश की जनशक्ति खड़ी हो गई है, मोदी शाह हमको हरा नहीं सकते और हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम ना जेल से डरेंगे, ना पुलिस से डरेंगे, ना मरने से डरेंगे। जय भारत। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे पाटिल साहब जो कह रहे हैं कि जनशक्ति के सामने कितनी भी बड़ी सत्ता हो उसको झुकना पड़ता है, जनशक्ति का मुकाबला जो है सत्ता नहीं कर सकती है, ये पाटिल साहब का साफ संदेश है। और वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट इसको रोक सकता है। अब 22 जनवरी को जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर के बड़ी निगाह है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता है, इस कानून को वापस लेने की मांग करता है या नहीं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।